हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली पर डबल अटैक हो गया है और अब दिल्ली में हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ लोग शहर छोड़ने के बारे में सोचने लगे हैं। वहीं सरकारें अब चालान का चाबुक चला रही हैं, लेकिन हमारा सवाल वही है, क्या चंद दिन के एक्शन से प्रदूषण के राक्षस को रोका जा सकता है? मास्क लेने में दिक्कत हो रही है, एक तो मास्क लगाना पड़ता है। ये हर साल का ही है, ये आज नया नहीं है, हर साल का है, इस पे कुछ नहीं होता है। आंखों में काफी पॉल्यूशन हो गया, जलन वगैरह होती है, मैं भी ऑफिस से आता हूँ तो। देश की राजधानी में प्राण देने वाली हवाएं अब दम घोट रही हैं। हर साल की तरह इस साल भी जहरीली हवाएं जब दिल्ली की दहलीज में दाखिल हुई तब सरकारें बेहोशी से जागी। सरकारों की इसी बेरुखी से लोग दिल्ली छोड़कर जाने का इरादा बना रहे हैं। इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली के एक ऐसे परिवार के साथ मौजूद हैं। ये परिवार जो है अब दिल्ली से कहीं दूर जाना चाहता है, यानी कि दिल्ली की हवा से कुछ दिन के लिए कहीं दूर जाना चाहता है। हम लोग यहाँ दिल्ली में पिछले 15 साल से रहते हैं और इतना जो आए दिन हर साल जो ये एयर क्वालिटी बदतर होती चली जाती है, तो इससे तो वाकई में मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। खुद मैं एक किडनी पेशेंट हूँ, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं और मेरी बेटी सल्तनत, इसको साइनस की प्रॉब्लम है। तो हम सभी किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो हमें यही बेहतर ऑप्शन लगता है कि हम थोड़े दिन के लिए दिल्ली से बाहर चले जाएं। कुछ लोग दिल्ली छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन वो क्या करें जिनके पास इस सफेद जहरीले धुएं में सांस लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो सिर्फ सरकारों से उम्मीद कर सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक साथ सामंजस्य बिठा करके काम करें, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाए और उसको असल में एग्जीक्यूट करें, तो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता है। प्रदूषण के कई कारणों में से एक है पराली। इस बार केजरीवाल सरकार पराली जलाने की समस्या से निजात पाने के लिए बायो डिकम्पोजर तकनीक से पराली गलाई का विकल्प दिया। यहाँ पर जो खेत है इसमें ये ट्रैक्टर चलता हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है और मिट्टी किस तरह से गल गई है और पराली किस तरह से गल गई है और मिट्टी की क्या क्वालिटी है, ये तमाम यहाँ पर जो वैज्ञानिक है उन्होंने भी कहा कि काफी हद तक पराली भी गल गई है और 15 दिन में ही 90% पराली गल गई थी और उसके बाद अब खेत को थोड़ा और सूखने का वक्त दिया जाएगा और उसके बाद बुआई के लिए खेत तैयार हो जाएगा। आपने अपना खेत सबसे पहले दिया था और उससे पहले मालूम नहीं था कि रिजल्ट कैसा आएगा, तो अभी संतुष्ट हैं आप? हाँ, पहले रिजल्ट का मालूम नहीं था, तो ऐसे आग लगा देते थे, जला देते थे इसको, तो या जलाते नहीं थे तो जुताई ज़्यादा लगती थी, तो उसमें बहुत समस्या रहती थी, जुताई ज़्यादा बढ़ जाती थी, समय ज़्यादा लग जाता था। दिल्ली एमसीडी का भी दावा है कि 3 हफ्तों में तीनों नगर निगमों ने प्रदूषण फैलाने के लिए सख्त एक्शन लेते हुए 2 करोड़ से भी ज्यादा का चालान काटा है। 29 अक्टूबर से लेके 6 नवम्बर तक के बीच में प्रदूषकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 172 चालान किए हैं, जो कि 763 जगहों का मुआयना करने के उपरांत किए गए हैं। ये चालान लगभग 21,39,000 रुपए की राशि के हैं। 150 से प्रतिदिन 200 चालान होती है और 80,000 से लेकर 1,00,000 तक हमारे पास चालान की राशि आ रही है। प्रदूषण का अलार्म बज रहा है, कार्रवाई होती दिख रही है, लेकिन जरूरत है पूरे साल इसी तरह की कार्रवाई करने की, बजाय इसके कि प्रदूषण बढ़ने पर रस्मी तौर पर कार्रवाई कर सरकारें अपना पीछे छुड़ा लें, वरना और लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा।